नमस्कार, मैं हूँ एमएस आर्डर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है हाउ टू अवॉइड अटैचमेंट टू एनी पर्सन और थिंग, किसी भी इंसान या चीज़ के लगाव से कैसे बचें। कहानी शुरू होती है जब अद्रजा और काशी एक साथ बैठे होते हैं। अद्रजा बड़े प्यार से अपने प्रेमी काशी से कहती है, ऐसा क्या करें कि मतलब ना लोगों से और चीज़ों से अटैचमेंट ना हो। मुझे आपको देख के बहुत अजीब लगता है काशी, आप सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं लेकिन हमेशा आप रिलैक्स रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस बात को सुनकर काशी मुस्कुराया और उसने बड़े प्यार से कहा, आदि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें परेशानी होती है यानी तकलीफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट की वजह से होती है। और ये अटैचमेंट जो होता है ना हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे अब मैं एक फैकल्टी हूँ और बहुत ज़्यादा अब मैं सोचने लग जाऊँगा मेरा बहुत नाम है, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, जनरल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं भगवान हूँ, इंटरनेट पर लोग मेरी पूजा करते हैं। अब ये मैं अगर मान लो ऐसा दिमाग में अपनी एक छवि बना लेता हूँ तो इसके बाद में क्या होगा, अगर मुझसे भी अच्छे लोग आ जाएंगे, हमेशा आते हैं लोग, अच्छा पढ़ाने लग जाएंगे, उनका नाम बड़ा होने लग जाएगा, फिर क्या होगा, मैं नेग्लेक्टेड फील करूँगा। यानी मुझे ऐसा लगेगा अरे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो ख़त्म हो गया, मैं दुखी रहने लग जाऊँगा, मेरे दिमाग में दर्द शुरू हो जाएगा। और ये एक ऐसा हो जाता है, अंदर ही अंदर हम एक कहानी बनाते हैं और उसमें एक नायक महानायक हम खुद बन जाते हैं। फिर हमें लगता है हमारा नंबर वन से नंबर टू में हम शिफ्ट हो गए और फिर ये हमें लगता है अब हमारा नुकसान हो गया और इसकी वजह से क्या होता है हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हमें खुश रहना है या मान लीजिए कि आप खुश रहना चाहती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि प्यार करें हम सामने वाली सिचुएशन को, स्थिति को, लोगों को, और जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे लाइफ में, सबको हमको ना एकदम अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ठीक है ठीक है, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप इतनी बड़ी जज हैं, आपका नाम है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ अटैच हो जाएं, क्योंकि कल को आप रिटायर हो जाएंगी, हो सकता है आपसे बेहतर कोई आ जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, हाँ अपने काम को पसंद करना है, जो बढ़िया हो रहा है ठीक है उसको भी पसंद करना है, कुछ फीडबैक मिला उसके हिसाब से चेंज करना है, लेकिन आप उस पोजीशन से, उस प्रशंसा के साथ में अपने आप को अटैच मत करना। तो ये चाहे इंसान को प्यार करना हुआ या सिचुएशन को या फिर अपने डेजिग्नेशन को, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना है, हाँ पसंद करना है, लेकिन इनके साथ अटैच नहीं होना है। इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई अद्रजा और उसने प्यार से कहा, आपने मेरे सारे फंडामेंटल क्लियर कर दिए, थैंक यू, लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, आपके साथ तो अटैचमेंट है, शायद उसको भी दूर करना पड़ेगा। और दोनों ज़ोर से हंसने लगे। इसी के साथ कहानी को विराम देते हैं, मिलेंगे नई कहानी के साथ में, जानेंगे नई बातें और सीखेंगे नई बातें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्टे ब्लिसफुल, थैंक यू।